सब्सक्राइब करो पंजाबी टीवी ट्रेलवी नपदो नपदो। हेलो पीपल, माय नेम इज निमिष सिंह एंड शी इज दिलप्रीत कौर। सत श्रीकाल। सो गाइस, आज वीडियो दी स्टार्टिंग विच तुसी कुछ मीम्स देखियां होनियां एंड उस तो तुसी समझ गए होंगे आज दी वीडियो किस दे अबाउट है। हां जी, ते की कहिए, मैनू कुछ समझ नहीं आ रहा एक्चुअली। सही गल है, असी रिएक्शन दिता सी कोको कोरीना कोक स्टूडियो 11 दा एपिसोड 9 दा एक सॉन्ग सी जेड़ा कि मोमिना एंड एक नवे सिंगर है जिन्होंने डेब्यू किया सी, हां जी है ना, उन्होंने वो सॉन्ग गाया कोक स्टूडियो दे विच। एक्चुअली ये एक कवर सॉन्ग सी ओरिजिनल दा, है ना जी। हां जी, सो आपा मतलब जो सॉन्ग सुने आ आपा नु किन्ना वधिया लगा, किन्ना कैंट लगा। असि ना मतलब पहला ये वाला पुराना सॉन्ग असि सुनिया नहीं सी। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना। Yes, because सानू पता ही बाद विच लगा जहां जी वीडियो दे जिद्दां जे तुसी साडी वीडियो देखी होनी है तां असी वीडियो विच गैस कीता सी कि रीमेक लग रहा सॉन्ग दा, है ना। एक बार तुसी ओ रिएक्शन देख लियो, बाद विच देख लियो जदों इह वीडियो देख ली, ठीक है। क्योंकि अज इस वीडियो विच आपां काफ़ी गल्लां करनियां इस दे बारे जो इह एक कॉन्ट्रोवर्सी बनी है ना, क्योंकि जदों दा कोक स्टूडियो दा सॉन्ग आया उस तो बाद किन्नी कॉन्ट्रोवर्सी बनी है। हाँ जी, है ना, इह आपां नूं किन्ना मतलब वधिया लगा। मैनूं तां ना सॉन्ग सुन के इन्ना मज़ा आया ना। Yes. हाँ, जदों असी मतलब पुराना सॉन्ग सुनिया जदों कमेंट्स वेख के भी लोग पसंद ही नहीं करते, कोई मतलब कोई भी नहीं पसंद कर रहा, इस करके असी पुराना सॉन्ग देखिया। पसंद तो याद आया, और डिसलाइक्स कितने सी? हां जी, 117,000 डिसलाइक्स एंड 40,000 अबव लाइक्स। तो जो कि ओरिजिनल सॉन्ग है वो अहमद रशीद जी ने गाया सी एंड वो उस टाइम दी लीजेंड सिंगर सी, है ना। हां जी, 60s दा सॉन्ग सी ये, ते उस टाइम दी लीजेंडरी आर्टिस्ट हुंदे ना। असी वो वीडियो देखी, तुसी दसो बाकी कि वीडियो किद्दां दी सी, ते सीरियसली मैन मतलब इन्नी वधिया वीडियो, मतलब उन्होंने मतलब सॉन्ग इन्ना वधिया गाया होया है, तो वो फास्ट है। हां, थोड़ा मतलब फास्ट है। हां जी, फास्ट है, पर जिस ढंग नाल वो गाया, हां जी, इधर क्लैप करदे सी ना, वो भी मतलब बहुत अच्छा लगा, जिदा मतलब सुन के ना बहुत मजा आया। पुराने ओल्ड सॉन्ग कई ना इधर सुन के बहुत मजा आंदा है। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੌਂਗ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀ, ਵੈਸੇ ਆਪ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 60s ਦਾ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇੰਜੋਏ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸੌਂਗ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਸੌਂਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਸੌਂਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ, 뮤직 ਚਲੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਦਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਰਿਦਮ ਨੂੰ 뮤직 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਔਸਮ ਯਾਰ, ਡਾਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਂਸ ਫਨੀ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਵੇਂ ਸੌਂਗ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਲੋ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਇੱਕੋ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਨਵੇਂ ਹੈ,
हाँ अहमद रजा मीर जो कि एक डेब्यू किया उन्होंने कोक स्टूडियो दे विच एंड उन्होंने क्लीयरली मैनशन किया अपन ट्वीट्स दे विच उन्होंने काफ़ी ट्वीट्स कीतियाँ तो उस तो बाद उन्होंने दसिया कि एक कवर सोंग सी एक्चुअली विच आपां भी पता है कि एक कवर सोंग सी ते एक्चुअली इट्स मतलब कि बिल्कुल सेम नहीं सीगा सेम हो भी नहीं सकदा बिकॉज़ नहीं होना चाहिए था फिर लोगों ने ही गल्ला करनिया सीगा एक कमेंट्स करने सीगे नहीं ये पुराने वांगू गाया फिर ता भी पसंद नहीं करना सीगा जे ओदा ला दंदे ता इस करके नवी-नवी चीज होनी चाहिए है बिल्कुल होनी चाहिए है एंड मेनू एक गल नहीं समझ आ रही भी लोगों ने इतनी हेट क्यों कीती इस सॉन्ग नु हां जी पर जब मैं पहली बार सुनया सी ना मैं लगन सी आ कि मतलब बहुत मजा आया ना उस सॉन्ग सुन के बहुत ज़्यादा भी हाँ जल्दी ख़त्म क्यों हो गया असी बिल्कुल यार तुसी साडा रिएक्शन देख सकते हो अपने चैनल ते है नीचे डिस्क्रिप्शन विच लिंक भी देता तुहानू ते या तुसी सुनिया तां करके तुहानू मतलब दूसरा तां नहीं वधिया लग रहा मे बी बिकॉज एक हुंदा ना ओल्ड इज गोल्ड ते असी भी सॉन्ग सुने एंड सानू ओ सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा बहुत वधिया लगा ते क्योंकि ओहदे विच इन्नी क्रिएटिविटी सी इन्नी यूनीकनेस सी सानू भी बहुत अच्छा लगा ते बट फिर भी जेकर आपां कोक स्टूडियो की गल करिए कोक स्टूडियो एक इदां दा ब्रांड बन चुका है जिन्हें इन्ने वड्डे वड्डे सिंगर्स नूं बनाया ते जिन्हां ने इन्ना मतलब पिछले सीजनस आपां देखिए तां उहदे विच उन्हां ने किन्ना एक टैलेंट है जिहड़ा इकट्ठा सामने अपने लैके आए है ना पूरे पाकिस्तान के कोने कोने तो लभ के ते जेकर इस बार उन्होंने कुछ नवा ट्राई किया तो कोक स्टूडियो के खिलाफ इन्ने लोग क्यों आ रहे हैं वह साड़ी समझ तो बाहर है यार कोक स्टूडियो वाले ने मतलब इन नवे नु मतलब मौका दिता टैलेंट नु भी हाँ चलो फर्स्ट टाइम गाया उन्होंने लोगों को पसंद नहीं आया पर मैंने आया हाँ सानू आया मतलब ये नहीं है कि सानू बिल्कुल नहीं पसंद आया ये नहीं सीगा यार कोई उन्होंने बेसुरा गाया जहाँ उन्होंने कोई सुर चो बाहर होके जहाँ कोई होर काम किए मतलब गाया उन्होंने भी अच्छा है बट तो आप सारे ने की किया इन्होंने कंपैरिजन कर लिया कि ओल्ड प्लस न्यू सो तुसी एक गल तुम्हें ध्यान च रखो यार एक कवर सॉन्ग है तो ये असी कोई इतने कोक स्टूडियो की वो नहीं कर रहे बिहाफ से नहीं बोल रहे ठीक है आप एनी टाइम तो कोक स्टूडियो के रिएक्शन कर रहे हैं सो सानू भी पता यार कोक स्टूडियो ने बड़े वधिया वधिया सिंगर अगे लैके आए हैं बट इस सीजन में शायद हो सकता क्योंकि प्रोडक्शन दी 100 प्रॉब्लम्स होंगे कि प्रोडक्शन चेंज हुई है ते ओदे करके इन्होंने कुछ जिहड़े पुराने सिंगरस आ वड्डे सिंगरस आ वह आप कोई नहीं देखे इन्होंने काफ़ी नवे सिंगरां नूं चांस दिता है ना इन्होंने मान लो जेकर हुण ये गल नहीं कि कोक स्टूडियो सारे नफरत कर रहे हैं जेकर वह कोई मतलब किसी पर्टिकुलर कम्यूनिटी के सिंगर नूं लैके आए है ना कोक स्टूडियो विच दैन वह कम्यूनिटी कोक स्टूडियो नूं पूरा सपोर्ट दे रही है ते बट बाकी लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं सो मेरे ख्याल तां कोक स्टूडियो भी अपनी जगह सही है ते तुसी लोग भी कितना ना कितने अपनी जगह सही हो बट थोड़ा जा एडजस्टमेंट सब पासों करनी पैंदी है ते कोक स्टूडियो एक इदां दा ब्रांड है जिन्हें बड़े एक हुंदा ना वेट रहिंदी है बंदे नूं कि यार कोक स्टूडियो कदों शुरू होना कदों शुरू होना ते इस वारी भी उही चीज़ सीगी बट कोको कोरीना ने हाँ जी हाँ जी बोले जी मैं क्या इन्नी नफरत करके कितने लेके जाऊंगे हाँ कितने जाऊंगे कितने जाऊंगे कितने जाऊंगे कब्र में कब्र में कब्र में जाऊंगे इतनी नफरत लेके भाई मत करो इतनी नफरत कुछ नहीं पड़ा लेकिन हम तो यही कहेंगे कि कोको कोरीना का जो पुराना सॉन्ग था वो लाख गुना बेटर था इस सॉन्ग से बट ये भी सॉन्ग कोई बुरा नहीं था इस सॉन्ग में भी काफ़ी कुछ अच्छा था हाँ जी क्योंकि इस सॉन्ग ਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੌਂਗ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ origignal ਸੌਂਗ ਤੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਾਪੀਰਾਈਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਸ ਸੌਂਗ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਰਸ਼ੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸੌਂਗ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਨਾ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੌਂਗ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਸੌਂਗ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਦਮ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੌਂਗ ਸੀਗਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਟ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੇਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਸੌਂਗ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਡਿਟੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੜਾ ਕੁਛ ਐਡ ਕੀਤਾ
बाकी मेनू तो यार दोनों सोंग अच्छे लगे क्योंकि इन्होंने भी एफर्ट्स दिखाया अपना है ना। हाँ जी। ते जड़े एहे अहद रजा मीर ने इन्होंने ट्वीट्स करके भी अपना जो रिस्पोंस आ ऑडियंस नूं दिता एंड बड़ा अच्छा रिस्पोंस दिता इन्होंने। इन्होंने कुछ ट्वीट्स भी इन्होंने कुछ क्यों बड़िया ही ट्वीट्स कीतियां जिदे विच थैंक यू भी सी। इन्होंने अपनी पढ़ास भी थोड़ी कढ़ी एंड कोक स्टूडियो का भी थैंक यू गया। तो मतलब कहन दा भी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग वधिया ढंग नाल ट्वीट्स करके आंसर भी दिता पूरी आवाम नूं। ते बाकी तुहाडे सामने यार बाकी होर कोई गलबात हो सानू नीचे कमेंट करके दस सकदे हो तुसीं। ते ए सी अज दी वीडियो है ना जी। हाँ जी, मिलदे आपां किसी होर वीडियो च। तद तक लई सानू दिओ इजाजत, सत श्री अकाल। ते चक्की रखो एदां ही कम कम।